पाइथन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल करने से पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो मैं अपने सिस्टम में ये सर्च बार में लिखता हूँ cmd, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ पाइथन डैश डैश वर्जन। अगर मेरे पास पाइथन इंस्टॉल होगा तो ये मुझे उसका वर्जन बता देगा कि आपके पास जो पाइथन इंस्टॉल है वो उसका वर्जन क्या है। लेकिन चूंकि अभी मेरे पास पाइथन इंस्टॉल ही नहीं है मेरे लैपटॉप में, मेरे सिस्टम में, तो इसीलिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि पाइथन इज नॉट रिकग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। डेट मीन्स के हमारे पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है। कोई बात नहीं, पाइथन इंस्टॉल नहीं है, हम लोग पाइथन इंस्टॉल करने जाते हैं। मैं गूगल क्रोम में एक नई टैब ओपन करता हूँ। ठीक है, google.com पे आया और अब मैं यहाँ से फ्री डाउनलोड पाइथन, मैं पाइथन पैकेजेस भी डाउनलोड कर सकता हूँ जस्ट लाइक कि मैं एनाकोंडा डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं एनाकोंडा यहाँ डाउनलोड नहीं कर रहा। मैं सबसे पहले पाइथन डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि पाइथन इंस्टॉल करके आपको दिखा सकूँ। सबसे पहले जो लिंक है डाउनलोड पाइथन, सबसे जो लेटेस्ट वर्जन होगा पाइथन का वो हमारे पास आ जाएगा। सबसे लेटेस्ट इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है वो है पाइथन 3.9.2। विंडोज़ के लिए ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि मैं इस वक्त विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा हूँ। तो मैं ये डाउनलोड पाइथन के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये स्टार्ट हो गई डाउनलोडिंग। अच्छा जी, हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ। पाइथन को ओपन करने के बाद मेरे पास कस्टमाइज इंस्टॉलेशन आ रही है और इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, तो मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और अब यस करूँगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा आप जाके देखता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं आया और मैंने अब यहाँ दोबारा पाइथन डैश डैश वर्जन लिखा तो अब देखें, अब मेरे पास वो एरर नहीं आ रहा कि भाई पाइथन जो है वो मेरे पास नहीं है, बल्कि अब मुझे वो उसने पाइथन का वर्जन जो कि मैंने अभी रिसेंट इंस्टॉल किया है वो उसने मुझे दिखा दिया है। मैं इसके पाइथन शेल से भी अब मैं पाइथन जो है वो यहाँ से पाइथन चला भी सकता हूँ, जस्ट लाइक के पाइथन लिखूंगा तो ये अब मैं पाइथन के शेल में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पाइथन की कोई भी कमांड लिखूंगा तो वो रन हो जाएगी, यानी कि मैंने पाइथन की कमांड्स यहाँ पर लिखी है मुझे। तो मैं एक प्रिंट की कमांड लिखता हूँ, प्रिंट 3+7, तो इसको 10 शो करना चाहिए, ये देखें 10 शो हो चुका है। मैं इस शेल से बाहर निकलना चाहता हूँ तो मुझे एग्जिट का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे ये मैं आ चुका हूँ बाहर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसका जो अपना पाइथन का शेल है वो भी यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, पाइथन मैंने यहाँ पर दोबारा आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा पाइथन, तो पाइथन 3.9 का ये हमारे पास ये ऐप लिखा हुआ आ रहा है, ये शेल है पाइथन का अपना शेल है, यहाँ पर भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं पाइथन की कमांड्स। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ ए, इसमें 7 दे रहा हूँ और मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ ए को, तो 7 शो होना चाहिए, ये देखें। तो ये थी हमारी इंस्टॉलिंग पाइथन की। अब हम यहाँ पर भी अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पाइथन की, लेकिन इसका इंटरफेस ब्लैक ब्लैक, यानी कि इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस पे काम करना। तो मैं क्या करूँगा कि अब एक जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, और उस जुपिटर नोटबुक का फ़ायदा क्या होगा कि उसका इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त है, उसमें बड़े ही आसानी से मैं अपने कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म कर सकता हूँ और इजी टास्क भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ पाइथन चूंकि मैंने इंस्टॉल किया है ना, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि पाइथन डैश डैश वर्जन, तो पाइथन इंस्टॉल है।
अब पाइथन के साथ ऑटोमेटिकली एक हम पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल हुआ होगा। मैं देख लेता हूँ, पिप एक पैकेज मैनेजर है पाइथन के साथ जो इंस्टॉल होता है, उसका वर्जन चेक करता हूँ क्या वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो पिप भी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, ये देखें 20.2.3। अब इस पिप की मदद से जो कि पाइथन पैकेज मैनेजर है, मैं जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करूंगा। तो उसको करने के लिए मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, लिख के देखता हूँ। तो ये जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए डेटा कलेक्शन इसे शुरू कर दी है, और अभी कुछ ही लम्हे बाद मेरी ये जो जुपिटर नोटबुक है ये इंस्टॉल हो जाएगी। मैं अपना पाइथन का सारी प्रोग्रामिंग उस पाइथन के अपने शेल्फ में भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जो इंटरफेस है यानी कि इसकी मुझे बहुत सारी फंक्शनलिटीज एक्स्ट्रा भी ये फराहम करता है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास जो है वो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो चुकी है। मैं चेक कर लेता हूँ कि आया इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई। मैं जुपिटर नोटबुक लिखकर इंटर करता हूँ तो इसको ओपन हो जाना चाहिए। अगर तो इंस्टॉल हुई है, जुपिटर नोटबुक ओपन कर रहा है जुपिटर नोटबुक को। ये हमारे पास जुपिटर नोटबुक लोकल होस्ट पे एक्टिव हो चुकी है, इसका सर्वर ओपन हो चुका है। ठीक है, ये थी इंस्टॉलिंग पाइथन की और जुपिटर नोटबुक की। तो जो काम भी हम पाइथन का करेंगे वो इस जुपिटर नोटबुक पे करेंगे। इसके मैं इसकी जो है वो जब जुपिटर नोटबुक का ओवरव्यू आपको दूंगा आगे चलकर, तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे काम की चीज़ें हैं, किस तरह से हम बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज से पाइथन प्रोग्रामिंग इस जुपिटर नोटबुक पे कर सकते हैं।